पूर्व विधायक आशीष देशमुख इन्होंने इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को लेकर भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ताजा वक्तव्य को लेकर सवाल खड़ा किया है। पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने इंदिरा गांधी व जवाहरलाल नेहरू को लेकर भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ताजा वक्तव्य को लेकर सवाल दागा है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस व भाजपा गांधी व नेहरू को लेकर विरोधी भूमिका में रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तो इन राजनेताओं के विरोध में अपमानजनक वक्तव्य तक देते रहे हैं। ऐसे में गडकरी के वक्तव्य स्वयं सवाल खड़े कर रहे हैं। गडकरी ने एक दिन पहले ही इंदिरा गांधी की स्तुति की है। सप्ताह भर पहले उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू के लेख पढ़ना व भाषण सुनना उन्हें काफी पसंद है। गडकरी को साफ करना चाहिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। विविध बयानों का जिक्र करते हुए देशमुख ने कहा कि गडकरी किसी राजनीतिक भय को महसूस तो नहीं कर रहे हैं। सोमवार को पत्रकार क्लब में पत्रकार वार्ता में वे बोल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ समय से भाजपा व आरएसएस के बीच जो खिचड़ी पकती दिख रही है उसका भी खुलासा होना चाहिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद गडकरी ने कहा कि पराजय की जिम्मेदारी नेतृत्व को लेना चाहिए। उससे पहले कहा कि रोजगार दिलाया नहीं जा सकता है। गडकरी साहेबांनी जनतेसमोर आपलं मत ठेवावं। दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवण्याच्या वेळेस त्यांच्यावर जे आघात स्वपक्षीयांकडून झाले आहे ही वास्तविकता आहे। आता बघा, गडकरी साहेब म्हणतात की नागपुरातल्या 50,000 युवकांना रोजगार दिले, त्याला खोडून करण्याचं काम मुख्यमंत्री फडणवीसच करतात। तर ह्या सर्वांचे धागे दोरे वरपासून खालपर्यंत काय आहेत हे समजण्या इतकी जनता नक्कीच हुशार आहे महाराष्ट्रात। नाही, संपूर्ण लोकांच्या नजरेत आणून दिलं पाहिजे की जो रिलायन्स अनिल अंबानीचा डेसॉल्ट सोबतचा कारखाना आहे तो नागपूरच्या मिहानमध्ये येणार होता। त्यांना रातोरात राज्य सरकारच्या कडून तिथे जागा 105 एकर आवंटित करण्यात आली। त्याचे पैसे देखील त्यांनी जेव्हा कंट्रोल झाली तेव्हा 1.5 वर्षांनी दिले। आता जो भ्रष्टाचार राफेलच्या व्यवहारामध्ये समोर आला आहे, अनिल अंबानींची आणि ह्या संपूर्ण प्रकरणामध्ये जे आंतरराष्ट्रीय गुंतागुंती झाली आहे तो प्रकल्प आता होणे शक्य नाही। अशा याच्यामध्ये माझी मागणी हीच आहे की अनिल अंबानींच्या रिलायन्सकडून 105 एकर जागा सरकारने काढून घ्यावी आणि ती हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेडला, जे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आहे, शासनाची त्यानिमित्ताने PSU आहे, त्याला देऊन नागपुरात 6,000 कोटीचा प्रकल्प ज्या माध्यमातून कॉम्बॅटिव्ह एअरक्राफ्टचे निर्मिती इथे आमच्या नागपुरात होऊ शकेल आणि नागपुरातल्या आणि विदर्भातल्या युवकांना युवतींना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळू शकेल या पद्धतीचे पावलं सरकारने उचलावी। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहड के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।